मूवी रेकमेंड करूंगा डब्बे फोर, और भाई हिल जाता है इंसान वो देख के, और वो इतनी हॉरिफाइंग मूवी है ना, हिल गया था मैं। हेलो गाइस, वेलकम टू हॉरलैंड। तो आज से कुछ दिन पहले मैंने फिंग भाई का एक पॉडकास्ट देखा था जिसमें उन्होंने पर्सनली इस मूवी के बारे में बताया था। दोस्तों, इस मूवी का नाम है डब्बे फोर और ये मूवी एक टर्किश मूवी है। और अगर आप मेरा चैनल पहले से फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता ही होगा मैंने स्टार्टिंग के वीडियोस टर्किश हॉरर मूवी के ऊपर ही बनाए थे, क्योंकि टर्किश हॉरर मूवी बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक होती है और उन्हें देखने पर ऐसा लगता है कि सब कुछ असली में चल रहा होगा। दोस्तों, डब्बे फोर काले जादू के ऊपर बनी मूवी है और इस मूवी का इसके आगे के पार्ट और पीछे के पार्ट से कोई भी लिंक नहीं है, तो आप डायरेक्ट इस मूवी के किसी भी पार्ट को देख सकते हैं। दोस्तों, ये मूवी एक रियल इंसिडेंट पर बेस्ड मूवी है और मैं आपको मूवी के एंड में कुछ मूवी से रिलेटेड फैक्ट भी बताऊंगा। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एक टेक्स्ट दिखाया जाता है जिसमें 16 अगस्त 1986 को टर्की के किम्बलडरे नाम के एक गांव में अचानक से मौत छा गई। वहां के लोगों में अचानक बीमारियां बढ़ गई थी, लोग मरने लगे थे और वहां के लोग पागल भी हो रहे थे, लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। फिर सीन कट होता है और अगले सीन में हम एक डॉक्टर और एक रिपोर्टर के कन्वर्सेशन को सुन पाते हैं जो कि आपस में कॉल पर बातें कर रहे थे। वो रिपोर्टर डॉक्टर से पूछता है कि 1986 में किम्बलडरे गांव में आखिर ऐसा क्या हुआ था और किम्बलडरे गांव में इतने सारी मौत होने के बाद भी क्यों ये सब कुछ पब्लिक नहीं हो पाया। लेकिन डॉक्टर का ऐसा कहना था कि वहां पर जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ न्यूज में एज इट इज आ गया था। डॉक्टर की बातों से ऐसा लग रहा था जैसे कि डॉक्टर कुछ छुपा रहा हो। फिर इसके बाद रिपोर्टर डॉक्टर से पूछता है कि वो सच सच जानना चाहता है कि उस गांव में क्या हुआ था। फिर डॉक्टर उस रिपोर्टर को बताता है कि वहां पर इब्रू नाम की एक डॉक्टर गई थी जिसने सब कुछ अपने कैमरा में रिकॉर्ड किया। अगर उसे जानना है कि वहां पर क्या हुआ है तो उसे इब्रू का कैमरा को चेक करना होगा। और इसके बाद डॉक्टर की आवाज आना बंद हो जाती है। इसके बाद सीन यहीं पर कट होता है और अगले सीन में हम एक इंटर्न डॉक्टर इब्रू को देखते हैं जो कि अपने मेडिकल प्रोजेक्ट के लिए एक गांव में आई थी। गांव के लोग अक्सर डॉक्टर का ट्रीटमेंट नहीं लेते थे और वे लोग वहीं के लोकल ओझा के पास में जाया करते थे। अभी फिर इब्रू एक घर के अंदर जाती है और वो अपने कैमरा में सब कुछ रिकॉर्ड कर रही थी जो कुछ भी उस घर में हो रहा था। उस घर में कुछ औरतें बैठकर प्रेयर कर रही थी और एक कमरे के अंदर फारूक नाम का एक होजा किसी औरत के ऊपर एक एग्जोसिस्ट परफॉर्म कर रहा था। दोस्तों, अगर आपको नहीं पता है कि होजा क्या होता है तो मैं आपको बता दूं कि टर्की में झाड़फूक करने वाले लोगों को होजा कहते हैं। इब्रू को यहाँ पर होजा नहीं बुलाया था ताकि वो अपने कैमरा में उसका पूरा रिचुअल रिकॉर्ड कर सके और इससे ये भी साबित हो जाएगा कि उसकी झाड़फूक कोई ढोंग नहीं है। होजा फिर उस औरत के ऊपर मंत्र पढ़ने लगता है। वो देखते देखते उस औरत की आवाज अपने आप बदल जाती है, उसकी आंखें पूरी लाल हो जाती है और उसका चेहरा एक डेमोनिक रूप लेने लगता है। वो औरत बहुत ही ज्यादा वायलेंट होने लगती है और वहाँ के लोगों के ऊपर हमला करने लगती है। फिर वो एक टीवी को उठाकर भी फेंकने लगती है और अचानक से वो औरत उस कमरे से निकलकर बाहर भाग जाती है। फारूक होजा उस औरत के पीछे पीछे जाता है और देखता है कि वो औरत बाहर बने एक कमरे के अंदर जाकर छुप गई है। फारूक होजा जब उस कमरे में जाता है तो वहां पर पूरा अंधेरा हो रहा था। फारूक होजा उस औरत के पास में जाता है और वो उसके ऊपर कंबल डालकर उसके मुंह से कुछ अजीब गरीब चीजें बाहर निकालता है जिसके बाद में वो औरत ठीक हो जाती है। उस औरत के मुंह में लंबे लंबे बाल और बड़ी बड़ी हड्डियां थी और उसके मुंह ये सब कैसे आया ये किसी को भी नहीं पता था। फिर फारूक होजा सभी को समझाते हैं कि किसी को भी काले जादू और तंत्र मंत्र में नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन इब्रू को होजा पर विश्वास नहीं था कि वहाँ के लोगों को मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है न कि किसी होजा के झाड़फूक की। सीन कट होता है और अगले सुबह हम फिर से इब्रू को देखते हैं जो कि फारूक होजा के घर पर उनसे कुछ सवाल जवाब करने के लिए आई थी। दरअसल इब्रू एक मेडिकल इंटर्न थी और उसे यूनिवर्सिटी से ये प्रोजेक्ट मिला था कि वो गांव गांव में जाकर होजा के रिचुअल को कैमरा में रिकॉर्ड करें ताकि वो सच साबित कर सके और लोगों में जागरूकता फैलाए कि काले जादू और भूत प्रेत जैसा कुछ नहीं होता है, ये बस लोगों का अंधविश्वास है। खैर, अब इब्रू भी होजा के घर में अपने कैमरा का सेटअप कर देती है और वो फारूक होजा से सवाल जवाब करती है कि कल उसने इस औरत के साथ में क्या किया था। होजा उसे बताता है कि उस औरत के ऊपर जिन्न था जिसने उसे तंत्र मंत्र से निकाल दिया। वो बताता है कि वो तभी लोगों का इलाज करता है जब किसी इंसान पर कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट काम नहीं करता है। लेकिन इब्रू को अभी भी ये सब एक नाटक लग रहा था। तब होजा कहता है कि कल जो उसने देखा उसके बाद भी वो इन सब बातों को नहीं मान रही है कि जिन होते हैं। लेकिन इब्रू को तो ऐसा लग रहा था कि होजा ने उसे दिखाने के लिए सब कुछ पहले से ही प्लान कर रखा था, जिसे सुनकर होजा थोड़े नाराज होते हैं और इब्रू को उस औरत के मुंह से निकले उस चीज को दिखाते हैं। लेकिन इब्रू का ऐसा कहना था कि जब उस औरत के मुंह में से ये सारी चीजें बाहर आई तो उसने उसकी पूरी बॉडी को कंबल से ढक दिया था और किसी भी इंसान के पेट में ये सब चीज होना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है।
फारूक खोजा को अपने आप को साबित करने के लिए उस इंसान को ठीक करना होगा जिसे इब्रू खुद चुनेगी। और इतना कहते ही वहाँ की चीजें एकदम हिलने लगती है, जिसका सीधा सीधा मतलब यह था कि वहाँ पर जिन्न मौजूद है। अब फिर शाम होती है और इब्रू फारूक को एक पेशेंट के बारे में बताती है जिसे उसे ठीक करना था, जिसके बाद में होजा इब्रू की गाड़ी में बैठकर उसके साथ में निकल जाना है। और जानते हैं इब्रू की गाड़ी में कौन सा गाना बजता है? फिर गाड़ी में होजा बताते हैं कि वो बचपन से ही झाड़फूक में लग गया था और ये काम उसे उसके मेंटर ने सिखाया था। इब्रू होजा को किम्बलडर गाँव में ले जा रही थी जो की शहर से काफी दूर था। ये वही गांव था जिसे मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। इब्रू बचपन में इसी गांव में रहती थी, लेकिन उसके पिता इब्रू को गांव से शहर ले आए थे। उन्हें गांव पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है और फिर इब्रू उस पेशेंट की मां रेफिका से वहां पर जाने का सही रास्ता पूछती है। रेफिका अब किम्बलडर गाँव में नहीं रहती थी और फिर वो उसे सही रास्ता बता देती है। दोनों रास्ते में एक घर पर रुककर उनसे रास्ता पूछते हैं। पहले तो वहाँ के लोग उनसे बहुत ही अच्छी तरीके से बातें कर रहे थे। फिर जब वे किम्बलडर गांव के बारे में पूछते हैं तो वे लोग उन पर भड़क जाते हैं और उन्हें अपना कैमरा बंद करने को कहते हैं। दोनों वहां से निकलकर एक जगह पर रुकते हैं जहां पर उन्हें जिनों का एहसास होता है और इब्रू को एक औरत के रोने की आवाज भी आती है। जब वे उस आवाज के पीछे जाते हैं तो वो आवाज बदल जाती है और अचानक से एक जानवर उनके ऊपर हमला करता है। वो दोनों वहां से भागकर फिर से अपनी कार में आकर बैठ जाते हैं। अब वे लोग रास्ता ढूंढते ढूंढते एक ऐसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर उन्हें खंडर दिखाई देता है और पास की जमीन पर जानवर की हड्डियों से एक निशान बनाया गया था और ये निशान बिल्कुल इल्यूमिनाटी के आई जैसा लग रहा था। पास में एक पेड़ भी था जिसके ऊपर लोगों ने जानवर के आतिड़ों से जादू टोने की चीजें लटकाई हुई थी और वहाँ पर पेड़ के ऊपर 7175 लिखा हुआ था, जिसका मतलब आपको आगे मूवी में पता चल जाएगा। अब वे दोनों फिर से कच्चे रास्ते से निकलते हैं। अब रास्ते में उन्हें एक भेड़ चराने वाला आदमी दिखाई देता है जिससे वो रेफिका के घर का सही रास्ता पूछते हैं। उसके बताए हुए रास्ते से वे दोनों एक छोटे से गांव तक पहुंचते हैं जहां पर रेफिका और कुबरा की बहन इसरा उनका इंतजार कर रही थी। सभी कुबरा के घर पर जाते हैं जो कि बहुत ही पुराना था। वहां पर इब्रू चारों ओर अपने कैमरा लगा देती है। तभी वहां पर फातिमा आती है जो कि कुबरा की बुआ यानी कि कुबरा के पिता बिलाल की बहन थी और फातिमा इब्रू को बड़ी बुरी नजर से देख रही थी, जैसे कि उसे इब्रू का यहाँ पर आना बिल्कुल ही पसंद नहीं था। वो इब्रू को यहाँ से भाग जाने को कह रही थी और इब्रू का ऐसा कहना था कि वो एक डॉक्टर है और कुबरा की बहुत ही अच्छी दोस्त भी है तो शायद वो उसका इलाज अच्छे से कर पाएगी। कुबरा की माँ का ऐसा कहना था कि वे सारे मेडिकल ट्रीटमेंट कर चुके हैं लेकिन किसी भी इलाज से कुबरा को कोई फायदा नहीं हो रहा है और इसीलिए अब होजा की मदद लेना चाहते हैं। कुबरा अभी सो रही थी तो फारूक होजा और इब्रू टाउन के बाहर घूमने जाते हैं। वहाँ पर एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी था जहाँ पर लोग बैठ कर एंजॉय कर रहे थे। फारूक होजा सभी गाँव वालों से मिलता है और वहाँ पर इब्रू लोगों से पूछती है कि कुबरा को आखिर क्या हुआ है। तो एक आदमी कहता है कि कुबरा जिन्ने की चपेट में है। फिर इब्रू उस आदमी से कुबरा के पिता बिलाल की मौत के बारे में पूछती है। वो आदमी उसे किम्बलडेरे गांव के बारे में बताता है और इब्रू सारी चीजों को अपने कैमरा में रिकॉर्ड कर रही थी तो इसीलिए वहां के लोग उनके ऊपर चिल्लाने लगते हैं और उन दोनों को वहां से जाना पड़ता है। दोनों लौटकर वापस कुबरा के घर पर आते हैं और डिनर करते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि फातिमा सभी कैमरा को अजीब नजरों से देख रही थी। यहाँ पर डिनर टेबल पर होजा इसरा से पूछता है कि कुबरा की शादी वाली रात को क्या हुआ था तो इसरा उसे बताती है कि उस रात को जो कुछ भी हुआ था वो सब उसकी शादी की सीडी में रिकॉर्डेड है और डिनर खत्म होने के बाद में वे लोग उसे देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि फातिमा सब कुछ सीढ़ियों पर खड़ी होकर सुन रही है, यानी कि हो ना हो फातिमा कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर कर रही थी। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि फारूक होजा और इब्रू कुबरा के परिवार वालों के साथ में उसकी शादी की सीढ़ी देख रहे हैं जिसमें सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश थे और वो नाच गा रहे थे। वहां पर कुबरा का होने वाला पति भी बैठा था और उनकी शादी की रस्म चल रही थी। अचानक कुबरा को कुछ होने लगता है और वो सबको अजीब नजरों से देखती है। फिर वो अचानक उठकर बाहर चली जाती है, लेकिन जब वापस आती है तो हम देखते हैं कि उसके हाथ में एक चाकू है और बहुत ही बदली बदली सी नजर आ रही थी और हम उसके अंदर शैतान की परछाई को भी देख पाते हैं। फिर वो उस चाकू से अपने होने वाले पति को मार डालती है। सभी लोग कुबरा के स्वरूप को देखकर डर जाते हैं और किसी शैतान की आवाज में बोले जा रही थी। यहाँ पर इब्रू फारूक होजा से पूछती है कि कुबरा ने क्या कहा तो फारूक बताता है कि कुबरा ने 7175 कहा है जो कि उन्हें गांव में आने से पहले उस शापित पेड़ पर लिखा हुआ दिखा था। फिर होजा घर से बाहर निकलकर पूरे घर को चेक करते हैं। बाहर उन्हें कुबरा खड़ी दिखाई पड़ती है और जब होजा कमरे में जाते हैं तो कमरे में बैठकर रो रही थी, उसे होश नहीं था। फिर जैसे तैसे उसे होश आता है और वो ठीक होती है और वो अपने बचपन के दोस्त इब्रू को देखकर खुश होती है।
होजा कुबरा से पूछते हैं कि शादी की उस रात को उसके साथ में क्या हुआ था, जिस पर वो कहती है कि उस रात क्या हुआ था उसे कुछ भी याद नहीं है, उसे बस किसी औरत की आवाज़ सुनाई दे रही थी जो कि उसे अपने पति को मारने को कह रही थी। और तो कुबरा को अक्सर ऐसा सपना आता है कि वो एक कब्र में है और उसे कोई मार रहा है, जिसके बाद में वो एक बार फिर से जन्म लेती है और उसे एक आंख वाला बच्चा दिखाई देता है। होजा समझ जाते हैं कि आखिर बात क्या है। वे कुबरा की माँ से पूछते हैं कि उनके पति यानी कि कुबरा के पिता की मौत कब हुई थी, तो कुबरा की बहन इसरा उसे बताती है कि कुबरा के जन्म वाले दिन ही उनके पिता की मौत हो गई थी और उनकी मौत किस वजह से हुई थी ये किसी को भी नहीं पता है। फिर होजा देखते हैं कि कुबरा के पूरे घर में रक्षा कवच लगे हुए हैं और वो कहता है कि रक्षा कवच को घर में नहीं लगाना चाहिए क्योंकि उससे जिन घर में कैद हो जाते हैं, जिसके बाद में वे पूरे घर से उन रक्षा कवच को हटा देता है। फिर वो कुबरा के कमरे में जाकर उसका एग्जोसिस्म करता है। कुबरा पहले तो नॉर्मल होती है, लेकिन जैसे ही होजा मंत्र पढ़ता है तो कुबरा के अंदर का जिन उसके ऊपर हावी होता है और कुबरा जोर जोर से चिल्लाने लगती है। फिर वो अपने कपड़े उठाकर अपनी पीठ सबको दिखाती है और सभी लोग उसकी पीठ पर बने हुए बड़े बड़े घावों को देखते हैं। फिर वो कहती है कि जिन यहीं पर है और होजा फिर उसके ऊपर कंबल डालता है और उसके अंदर से जिन निकालने की कोशिश करता है, लेकिन कुबरा होजा के हाथ पर खून से एक सिंबल बनाती है। जब होजा उसे अपनी स्पिरिचुअल किताब में देखता है तो उस चिन्ह का मतलब आईना होता है। फिर होजा को पता चलता है कि कुबरा के ऊपर किसी बहुत ही खतरनाक जिन्ह ने कब्जा किया हुआ है। इब्रू को यह सब होजा का एक ढोंग लग रहा था। वो कैमरे में इस बात को रिकॉर्ड करती है कि कुबरा को पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है और पीछे से कुबरा आकर उसे घूर रही थी, जिस बारे में इब्रू को नहीं पता था। अब रात होती है और कुबरा को नींद में अजीबोगरीब चीज़ें होने लगती है। वो आईने में अपने आप का एक अलग ही रूप देखती है और अचानक से फिर वो अपनी माँ और इसरा के कमरे में जाकर उन्हें घूरती है और यहाँ पर हम कमरे में उसकी जिन्न से बॉडी को बाहर आता जाता देखते हैं। जिसे तैसे रात गुजरती है। फिर अगले दिन सभी लोग खाना खा रहे थे, तभी इब्रू के मुँह से भी अजीबोगरीब चीज़ें निकलने लगती है और उसे पता नहीं चलता है कि आखिर उसके साथ में ऐसा क्यों हो रहा है। अब इस रात को इब्रू के अंधेरे कमरे में लाया जाता है, जहाँ पर होजा आइनों के सामने प्रेयर करता है। फिर होजा वहाँ पर अगरबत्तियों से धुआं कर देता है और जिन्न से बात करने की कोशिश करता है। तभी अचानक उसे एक जोरदार झटका लगता है और वो इब्रू को कहता है कि जिन्न उसके पीछे ही है। वहाँ के कांच अपने आप टूट जाते हैं और ज़मीन पर अपने आप ही एक निशान बनता है, जिसका मतलब था टॉयलेट स्पेल, यानी कि कुबरा के ऊपर किसी ने टॉयलेट स्पेल किया हुआ है। होजा फिर घर में बनी हुई एक पुरानी टॉयलेट के पास में जाते हैं और उसे कुदाल से खोदते हैं, जिसके अंदर से कई तरह की ब्लैक मैजिक की चीज़ें बाहर आती है। वहाँ से जानवरों की हड्डियाँ, ब्लैक मैजिक की मालाएँ, वुडू डॉल और एक बड़े से भैंसे का सर भी निकलता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिस्गस्टिंग था, और होजा की तबीयत ख़राब हो जाती है। तभी वहाँ पर फातिमा आती है और रेफिका को उसके पास्ट को याद करने को कहती है, लेकिन इसरा उन दोनों को चुप करवा देती है। इब्रू भी इन सभी चीज़ों को देखकर डर गई थी, लेकिन उसे अभी भी ये लग रहा था कि ये सब अंधविश्वास की बातें हैं। होजा फिर टॉयलेट से निकली चीज़ों को देखता है, जिनमें से उसे एक स्पेल किया गया पेपर मिलता है। वो पेपर दो इंसानों के शेप में था और उनके प्राइवेट पार्ट पर खून लगा हुआ था। होजा बताते हैं कि इस कर्ज को रिफिका के परिवार पर कुबरा के पैदा होने से पहले कर दिया गया था। कुबरा के पिता की मौत उसके जन्म पर हुई थी और कुबरा पहली बार पजेस अपने 23वें जन्मदिन पर हुई थी, और ये कर्ज 23 साल के होने पर ही काम करता है, लेकिन ये कर्ज सबसे ज़्यादा खतरनाक कर्ज है, जिससे कोई भी बच नहीं पाता है। फिर अचानक कुबरा वहाँ पर चिल्लाते हुए आती है क्योंकि उसकी बॉडी अंदर से जल रही थी। इब्रू फिर होजा से कहती है कि उसे हॉस्पिटल ले जाने दो क्योंकि उसे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, लेकिन होजा का ऐसा कहना था कि वो अब तक हॉस्पिटल के इलाज से ठीक नहीं हुई है, तो अब क्या होगी। इब्रू अभी भी नहीं मान रही थी कि फारूक होजा जो कुछ भी कर रहे हैं वो सही है, तो इसलिए होजा एक बार और उसे ट्राई करने को कहते हैं। अब होजा कुबरा को उनके गांव के बाहर बने हुए एक दूसरे खाली कमरे में ले जाता है। वहां पर होजा फिर से अपने मंत्र पढ़ना चालू करता है। पहले तो कुबरा ठीक थी, लेकिन फिर कुबरा एक डेमोनिक आवाज़ में बताती है कि वो वहां पर एक औरत को देख सकती है और वो उसका नाम सारे बताती है, और सारे कुबरा से बदला लेना चाहती थी। होजा अपने मंत्र पढ़ना चालू रखते हैं और अचानक कुबरा के अंदर चेतन आ जाता है। फिर होजा उस स्पेल को जला देता है, जिससे कि कुबरा जोर जोर से चिल्लाती है और फिर वो एकदम ही चुप हो जाती है, जिससे कि होजा को लगता है कि कुबरा के अंदर का जिन मर चुका है। इब्रू भी ये देखकर हैरान थी कि कुबरा अब बिल्कुल ठीक है और उसका ब्लड प्रेशर भी ठीक हो गया है। होजा फिर इब्रू को बताता है कि बहुत सारे स्पेल इंटरनेट पर एक क्लिक पर अवेलेबल होते हैं और कोई भी ब्लैक मैजिक को बड़ी आराम से कर सकता है। फिर इब्रू अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है और यहाँ पर कुबरा फिर से अपनी नींद से उठकर उल्टी सीधी हरकतें करने लगती है।
वो उसे चाकू को लेकर आती है जिससे कि उसने अपने पति को मारा था। फिर वो अपनी शादी की ड्रेस भी पहनती है और एक ही चीज़ को बार बार रिपीट कर रही थी। वहाँ से अचानक फातिमा गुजरती है जिसे कुबरा चाकू से कई बार वार करके उसका चेहरा ख़राब कर देती है। सभी लोग फातिमा की आवाज़ सुनकर उसके पास में आते हैं तो देखते हैं कि फातिमा का चेहरा बुरी तरीके से खून से सना हुआ था और वो एम्बुलेंस को बुलाते हैं। फिर इसरा बताती है कि उसने कुबरा को उस पेड़ की तरफ जाते हुए देखा है। होजा और इब्रू कार से उसके पास जाते हैं। वहाँ पर कुबरा हड्डियों से बने गोले के बीच खड़ी हुई थी और डेमोनिक आवाज़ में कहती है कि अगर तुम मुझे 1000 बार भी मारोगे तो मैं फिर से जिंदा हो जाऊंगी। और कुबरा खुद अपना गला काटने लगती है और होजा उसे ऐसा करने से रोकता है। इब्रू अब वहाँ पर आती है और होजा को कहती है कि वो कुबरा से दूर रहे और वो उसे अब हॉस्पिटल ले जाएगी। फिर इब्रू होजा को वहीं पर छोड़कर कुबरा को हॉस्पिटल ले जाती है। अगली सुबह होजा कुबरा के घर पर थे। वहाँ पर फातिमा हॉस्पिटल से पट्टी करवा कर वापस आती है लेकिन वो होजा की बातों को जवाब नहीं दे रही थी। होजा उसे पूछते हैं कि कुबरा के पति यानी कि उसके भाई की मौत कैसे हुई थी, जिस पर वो बताती है कि जब कुबरा पैदा हुई थी तो उसके पिता बिलाल उसे मारना चाहता था क्योंकि उसका ऐसा मानना था कि कुबरा एक डेविल है। वो उसका गला दबा रहा था लेकिन फातिमा ने उसे कुबरा से दूर जमीन पर गिरा दिया। फिर उसके मुंह से अजीबोगरीब चीज़ें निकलने लगी और वहीं पर मारा गया था। बिलाल ने मरते समय फातिमा से एक ही नाम कहा था, साले, और ये वही औरत थी जो कि कुबरा को दिखाई दे रही थी। फातिमा कहती है कि अगर उसे कैम्बलडर गांव के बारे में जानना है जहाँ पर बिलाल रहा करता था तो उसे इलियास से मिलना होगा जो कि अभी भी अकेला उस गांव में रहता है। फिर होजा अपने एक दोस्त को 7175 का मतलब पूछता है। वो बताता है कि कुछ ऐसे लोगों का कल्ट था जो कि आधे मुसलमान थे और आधे क्रिश्चियन, और उसे उनसे रिलेटेड कुछ फोटो भी मिले हैं जिसे वो मेल कर देगा। इलियास के पास में किम्बलडर गांव में जा रहा था जहाँ पर उसे इब्रू आती हुई नजर आती है। वो बताती है कि कुबरा अभी भी ठीक नहीं है और फिर होजा से कल के लिए माफी मांगती है। अब होजा इब्रू से किम्बलडर गांव जाने को कहता है क्योंकि उसे फातिमा से कुछ पता चला था। इब्रू उसकी बात नहीं मानती है और उसे ये सब बंद करने को कहती है लेकिन फिर भी होजा जिद करके उसे वहां पर ले जाता है। अब जब वे कार में थे तो उनके कैमरा में एक अजीब सी चीज रिकॉर्ड होती है जो कि लगातार उनके ऊपर नजर रख रही थी। फिर वो गांव में आकर रुकते हैं और देखते हैं कि पूरा गांव ही खाली है। यहां पर भी 7175 लिखा हुआ था, जिसके बाद में वो कार से उतरकर गांव के अंदर जाते हैं। वो जैसे ही कार से उतरते हैं तो उनकी कार पर खून से भरे हाथों के निशान लग जाते हैं। अंदर आकर वो देखते हैं कि पूरा गांव खाली था। फिर उन्हें वहां पर एक घर के बाहर 7175 लिखा हुआ दिखता है और होजा के पीछे इब्रू को कोई नजर भी आता है लेकिन उसके पीछे कोई नहीं था। फिर एक घर के अंदर होजा को रोशनी भी दिखाई पड़ती है और वो उस घर के अंदर चले जाते हैं। घर के अंदर उन्हें वही आदमी मिलता है जिससे उन्होंने कुबरा के घर का पता पूछा था, और ये आदमी इलियास ही था जिसके बारे में फातिमा ने होजा को बताया था। इलियास दोनों को एक कमरे में ले जाता है और उसके घर में बुरी ताकतों को दूर रखने के लिए मंत्र लिखे हुए थे। होजा इलियास से पूछता है कि इस गाँव को क्या हुआ और क्यों रातों रात लोग इस गाँव को छोड़कर चले गए। तब इलियास बताता है कि दो लोगों के पापों की सजा पूरे गांव ने भुगती। उनके नाम थे बिलाल और रेमजी। रेमजी इब्रू के पिता का नाम था और इलियास बताता है कि आज से 24 साल पहले रेमजी और बिलाल जिन्नों की मदद से यहां पर खजाना ढूंढ रहे थे और सारे एक ऐसी जिन्न ट्राइब से होती है जो कि इंसानों की बॉडी में रहा करती थी। उस ट्राइब का नाम था जुलजुला क्लैन, जो कि छुपे खजानों को आराम से ढूंढ सकते हैं। फिर खजाना मिलने के बाद में बिलाल और रेमजी ने सारे को मारकर उसे शापित पेड़ के पास में गाड़ दिया और उस समय सारे एक ह्यूमन बॉडी में थी। इब्रू पूछती है कि इस बात का क्या सबूत है कि उसके पिता ने ऐसा किया। तब इलियास इब्रू से ही सवाल करता है कि बिलाल ऐसा कौन सा काम करता था कि उसने अपना इतना बड़ा घर बनवा लिया और इब्रू के पिता के पास इतनी दौलत कैसे आई। जिस जिन्न ने बिलाल को मारा था उसी जिन्न ने इब्रू के पिता रेमजी को भी मारा था, और अब सारे कुबरा के शरीर के द्वारा वापस इस दुनिया में आना चाहती है और कुबरा की आत्मा को खत्म करके उसके शरीर पर कब्जा कर लेगी। फिर इलियास होजा को गांव के कर्ज होने के बाद की फोटो दिखाता है जिसमें लोगों को बीमारियां होने लगी थी और बच्चे भी डिफॉर्म पैदा हो रहे थे। बिलाल और रेमजी ने गांव के लोगों में भी सोना बांटा था और जिस जिसको भी सोना मिला उनके साथ में ये सब कुछ हुआ। इलियास को ये सब इसलिए पता है क्योंकि उसकी पत्नी एक जिन्न है और वो इसी कमरे में है। इलियास फिर उससे अजीब भाषा में बातें भी करता है। होजा इलियास से उसकी पत्नी से मदद मांगने को भी कहता है। फिर होजा को वहां पर एक अजीब सा बच्चा दिखाई पड़ता है और सब दूर अंधेरा हो जाता है। इलियास की पत्नी उन्हें वहां से भाग जाने को कहती है क्योंकि जुलजुला ट्राइब के जिन्न उन्हें मार देंगे। इलियास बताता है कि जो जिन्न कुबरा को पजेस कर रहे हैं वो सारे नहीं है बल्कि वे सारे के ट्राइब के जिन्न है जो कि कुबरा के अंदर वापस से सारे को जिंदा करना चाहते हैं। इलियास फिर होजा को बताता है कि उसकी पत्नी से उसे पता चला है कि सारे को उन लोगों ने उस शापित पेड़ के पास में दफन किया था और इलियास उन्हें वहां से भगा देता है।
वापस जाते समय इब्रू अपनी कार की इस हालत को देखकर बहुत पैनिक करने लगती है और अचानक खुजा के ऊपर जिन अटैक कर देते हैं। फिर जैसे तैसे दोनों अपनी कार से बाहर भागते हैं। होजा कहता है कि उन्हें सारे को जमीन से निकालकर उसे अच्छी तरीके से ब्लेस करके उसे कहीं और दफनाना होगा। फिर उसी पेड़ वाली जगह पर आ जाते हैं। होजा जमीन खोदकर एक मिट्टी का बर्तन निकालता है और उसी के अंदर सारे थी। फिर होजा सारे को एक कफन में लपेटकर कहीं और दफना देता है और फाइनली उन्हें ऐसा लगता है कि सारे को उन्होंने वापस भेज दिया है। फिर अब होजा और इब्रू कुबरा के घर पर आते हैं और उन्हें सारी बातें बताते हैं। उन्हें लगता है कि उनका काम हो गया है और अब कुबरा बिल्कुल ठीक होगी। होजा और इब्रू फिर वापस से अपने घर जाने के लिए सामान पैक कर ही रहे थे कि तभी रफीका वहाँ पर आती है और होजा से कहती है कि उसके पास में इलियास का फ़ोन आया है और होजा को वापस से केमिल्डर गांव में बुला रहा है। होजा इलियास के पास जाने के लिए निकल जाता है और रफीका इस पर इब्रू को कोबरा के पास ही रोक लेती है। होजा इब्रू की कार से इलियास के घर पर पहुँचता है और यहाँ पर इब्रू अपने कमरे में थी। उसे अपने कपड़े में कुछ अजीब फील होता है और जब वो अपने अंडरगारमेंट को खोलकर देखती है तो उसे उसमें से एक तंत्र मंत्र किया हुआ पेपर मिलता है। उस पेपर के ऊपर कुबरा और इब्रू की फोटो थी और कोई क्रिएचर पेशाब कर रहा था। इब्रू उसे देखकर डर जाती है और एक कैमरा अपने चेस्ट पर लगा लेती है ताकि वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर सके। यहाँ पर होजा के पास में उसके दोस्त का फोन आता है जो उसे 7175 के बारे में बताता है। वो कहता है कि बहुत साल पहले आधे मुस्लिम और आधे ईसाई धर्मों का एक ग्रुप था जो मानते थे कि जीसस को सिलीब पर चलाने से पहले उन्होंने वीवो कहा था जिसे 5157 में कोट कर दिया था और इसका मतलब था जीसस मरे नहीं है, वो इस दुनिया में जिंदा है और इसी कोट के जरिए सारे अभी भी जिंदा थी। फारूक अपनी किताब में देखता है जिसमें लिखा हुआ था कि अगर जमीन में दफन जिन्नों को बाहर निकाला तो वो और भी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। मतलब कि होजा और इब्रू ने जिन्नों को उसकी दुनिया में नहीं पहुँचाया बल्कि उसे आज़ाद कर दिया था। फिर अचानक होजा की कार पर इलियास खून में लथपथ आता है। वो कहता है कि उन्होंने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है और वो उससे इब्रू के बारे में पूछता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि इब्रू कुबरा के कमरे में जाती है जहाँ पर कुबरा फिर से पजेस थी और तभी इब्रू के ऊपर रफीका और इसरा हमला कर देती है। सीन अगेन फारूक की तरफ आता है जहाँ पर इलियास उसे बताता है कि उसकी पत्नी को जिन्होंने मार डाला इसरा और रफीका का है। इलियास ने फारूक को यहाँ पर नहीं बुलाया है और उसे इब्रू को वहाँ पर छोड़कर नहीं आना था क्योंकि सारा किया कराया इसरा और रफीका का था। उन्हीं ने इब्रू को यहाँ पर बुलाया ताकि वो सारे को कुबरा के बजाय इब्रू के अंदर डाल सके और तभी इलियास को भी जिन्न पकड़ कर ले जाते हैं। फिर होजा वापस कुबरा के घर पर इब्रू को ढूंढने के लिए जाते हैं जहाँ पर वो देखते हैं कि फातिमा को जिन्नों ने मार दिया है और उसके घर में कोई नहीं है। होजा फिर वहाँ पर उस पेपर को देखता है जिसे देखकर वो समझ जाता है कि वे लोग कुबरा के बदले सारे को इब्रू देंगे। होजा इब्रू को ढूंढते हुए उसी पेड़ के पास में जाता है लेकिन रफीका और इसरा होजा को एक सूखे कुएं में धक्का दे देते हैं जिससे कि होजा को बहुत चोट आती है। फिर वे दोनों कुएं के ऊपर से बड़े बड़े पत्थर होजा के ऊपर फेंकते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि होजा मारा गया है। यहाँ पर अब रफीका और इसरा ने इब्रू को एक ताबूत के अंदर बंद कर दिया था और वे उसे जिंदा ही दफनाने वाले थे। वे इब्रू से कहते हैं कि उसके पिता की सजा कुबरा को मिल रही है लेकिन वो भी क्या करें, वो अपनी बेटी को कुर्बान नहीं कर सकती है। पैसों के चक्कर में उसके पिता ने कुबरा की जिंदगी खराब कर दी और कुबरा ने इतने सालों तक सब कुछ झेला और यही दर्द अब सारे इब्रू को देने वाली है। फिर दोनों माँ बेटी कुछ स्पेल करके उस ताबूत को बंद कर देती है और उसके ऊपर मिट्टी डाल देती है। इब्रू अंदर से चिल्लाती रहती है लेकिन उसकी आवाज़ को कोई नहीं सुनता है। वो घंटों तक ऐसे चिल्लाती रहती है और तड़पती रहती है। फिर अचानक से एक अजगर उस ताबूत के अंदर उसके पैरों के पास में आकर उसे काट लेता है और इब्रू के चीखों के साथ में ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों तो मूवी में इस कर्ज को बिलाल और रेंजी ने खजाने के चक्कर में शुरू किया। उन्होंने किसी इंसान की बॉडी में जिन सारे को बुलाकर खजाना ढूंढ लिया और उसे मारकर दफना दिया जिससे कि पूरा केम्बल्डर गांव कर्ज हो गया। वहां के लोग पागल होने लगे और कुछ तो सुसाइड भी करने लग गए थे। वहां पर पैदा होने वाला हर बच्चा डिफॉर्म पैदा होता था तो इसलिए सभी गाँव वाले उस गाँव को छोड़कर चले गए। बिलाल ने दूसरे टाउन में एक बड़ा सा घर ले लिया और रेंजी गांव से निकलकर शहर चला गया। लेकिन इस हादसे के 24 साल के बाद में जब कुबरा की शादी होने वाली थी तो जिन्होंने उसके ऊपर हावी होना शुरू कर दिया क्योंकि वो सारे को कुबरा के शरीर में वापस लाना चाहते थे और इसलिए उन्होंने इब्रू को यहाँ पर लाने का प्लान बनाया। इब्रू एक मेडिकल स्टूडेंट थी और उसे अपने कॉलेज से मेडिकल प्रोजेक्ट दिया गया था कि वो गाँव में जाकर लोगों में जागरूकता फैलाएगी ताकि वो होजा के पास न जाकर किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाकर अपना इलाज करवाए। और इसी बात का फायदा उठाया रफीका ने। उसने कुबरा का इलाज करने के बहाने इब्रू को अपने गांव बुलाया। फातिमा को दोनों माँ बेटी का प्लान पता था और वो उनका साथ नहीं देना चाहती थी
तो इसीलिए वो इब्रो और होजा को उनसे बचकर रहने का इशारा भी कर रही थी। सारे जो कि बदला लेने के लिए कुबरा के शरीर में आना चाहती थी, वही रेफिका और इसरा ने ब्लैक मैजिक से सारे को इब्रो की बॉडी में डाल दिया और खुद अपनी दोनों बेटियों को लेकर भाग गई। और मैं आपको बता दूं कि इस मूवी की कहानी बिल्कुल असली है। मूवी के खत्म होने के बाद में एडम बताया जाता है कि गांव वालों द्वारा फारूक होजा को कुएं से निकाल लिया गया था, लेकिन चोटों के कारण उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। पुलिस और वहां के लोगों ने इब्रू को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। रेफिका, इसरा और कुबरा को किसी ने फिर कहीं भी नहीं देखा और पुलिस उन्हें अभी भी ढूंढ रही है। उन्होंने होजा और इब्रू के आने से पहले ही अपना घर बेच दिया था और उन्होंने पहले भागने का प्लान बना लिया था। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हैं तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर इस मूवी को डाल दूंगा, आप वहाँ पर जाकर डाउनलोड करके इस मूवी को देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि इस मूवी की लैंग्वेज टर्किश है, तो इसीलिए पहले आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो अब मैं आपसे मिलूँगा अगले वीडियो में।